हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एसएन क्रिएशन। आज का हमारा जो वीडियो है वो बच्चों के प्रोजेक्ट के ऊपर है। तो आज मैं बच्चों को बनाना सिखाऊंगी कुछ इस तरह के कैप्शन वाले बुकमार्क्स और कुछ इस तरह के एनिमेशन वाले बुकमार्क्स। ये बड़े ही खूबसूरत लगते हैं फ्रेंड्स, और ये अक्सर बच्चों को उनके प्रोजेक्ट्स वगैरह में दिया जाता है बनाने के लिए। तो आज हम बुकमार्क्स बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ये कैप्शन वाले बुकमार्क्स बनाएंगे। ये बुकमार्क्स बनाने के लिए हमें चाहिए वाइट कलर का पेपर। ये हमें वाइट कलर की A4 शीट ली है। ये वाली शीट फ्रेंड्स थोड़ी सी हार्ड होती है, ये काफ़ी कुछ चार्ट पेपर की तरह ही होती है, एकदम पतला पेपर नॉलेंस के लिए। तो ये थोड़ी सी हार्ड पेपर लेके और इसके ऊपर मैंने स्केल से इस तरह से मार्क कर लिया है। जितना भी चौड़ा हमें बुक मार्क बनाना हो उतना हम इसका साइज़ ले लेंगे। उसके बाद हम इसे कट कर लेंगे इस तरह से सीजर से। बच्चे जब भी कैंची हाथ में लें तो बहुत ध्यान से और बड़ों के अंडर ऑब्जर्वेशन में ही सीजर को हाथ लगाएं। इसके बाद फ्रेंड्स हम इस तरह से स्केल लेके और स्केच पेन की हेल्प से हमें जो भी कलर लेना है स्केच पेन की हेल्प से हम इसमें बॉर्डर डाल देंगे। ये मैंने रेड कलर और ये ऑरेंज कलर लिया है। तो साइड का बॉर्डर हम रेड कलर से इस तरह से डाल देंगे। नाप का विशेष ध्यान रखें फ्रेंड्स, और स्केल की हेल्प से ही करें, अदरवाइज टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। इस तरह से ये हमने साइड का बॉर्डर निकाल लिया है। अब हम जो हमारा जो एक्स्ट्रा पोर्शन है उसे हम कट कर लेंगे। इस तरह से हमने एकदम बराबरी में कट कर लिया है। अब हम इसमें नाप के स्क्वायर्स डाल देंगे। इस तरह से हमें पूरी स्ट्राइप पर ये लाइंस डाल देनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसमें स्क्वायर बना दिया है। पहले हमने स्लीपिंग लाइंस डाली, उसके बाद हमने स्टैंडिंग लाइंस डाल के इसमें इस तरह का स्क्वायर निकाल दिया है। अब डेकोरेट करने के लिए हम ये रेड कलर की पेन से हम इस तरह के मार्क बना देंगे।
तरह से एक बॉक्स छोड़कर आप चाहें तो कैसे भी डिज़ाइन डाल सकते हैं, जैसी भी आपको पसंद हो। मैं आपको सिर्फ एक डेमो बता रही हूँ। इस तरह की डिज़ाइन हम पूरे स्ट्रिप पे डाल लें। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारा बुकमार्क बन के रेडी हो गया है। अब हम पेंसिल की हेल्प से जो चाहे इसमें हम कैप्शन डाल सकते हैं। जैसे जैसे मैंने इसमें लिखा है जस्ट वन मोर चैप्टर, ये बच्चों के लायक ही कैप्शन डालें। इसमें लिखा है लेट्स मेक इट सिंपल, एंजॉय लिटिल थिंग्स, मेक योर ड्रीम कम ट्रू, इस तरह के कैप्शन आप डाल के बहुत ही सुंदर से इसे सजा सकते हैं। तो ये तो एक हो गया। अब नेक्स्ट वाले एनिमेशन वाले बुकमार्क्स के लिए हमें इस तरह के कलरफुल पेपर चाहिए। ये मैंने A4 शीट साइज़ का लिया था, जिसे मैंने 15 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर लिया है। अब इस स्क्वायर को लेके हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। एक फोल्ड ऐसे दिया मैंने, एक फोल्ड ये हमने इस तरह से दिया। यहाँ से देखिएगा बच्चों, इस तरह से दिया। इसके बाद इसे खोल के हमने इस तरह से सिंपल फोल्ड भी दिया। एक इस तरह का फोल्ड और एक ये इस तरह का फोल्ड। इस तरह की हमने समझ लिए सब तरफ से चार फोल्ड दिए हैं। अब उसके बाद हम इसे वापस से इस तरह से फोल्ड करके, मैंने हाफ मोड़ दिया। अब इसके बाद फोल्ड को ध्यान से देखिएगा बच्चों, तो इस तरह से फोल्ड देने के बाद इस तरह से ये हमने फंसा दिया, तो हमें इस तरह का एक शेप मिल जाएगा। मैं आप लोगों को एक पेपर और फोल्ड करके बताती हूँ। जैसे ये मैंने 14 बाई 14 का स्क्वायर लिया, इसे इस तरह से ये मैंने दो फोल्ड दे दी। अब हम दो फोल्ड ऐसे देंगे इस तरह से, एक और इस तरह से दो। ये मैंने चार फोल्ड बताया ना आपको, तो उसी तरह चार फोल्ड दिए। अब इसमें इसे हम तिरछा इस तरह से फोल्ड करके इसका जो ये पोर्शन है इसे हम इस तरह से हाफ मोड़ देंगे। और उसके बाद ये हमने फोल्ड किया इस तरह से और इसे इसमें हम इस तरह से फंसा लें। तो ये हमें इस तरह का शेप मिल गया। अब इसमें हम किसी भी एनिमल का फेस ड्रॉ करेंगे या फेस बनाएंगे। तो फेस बनाने के लिए हमें सबसे पहले इसमें आईज लगानी है। तो इसकी आईज निकालने के लिए फ्रेंड्स हम वाइट पेपर का ही यूज़ करेंगे, क्योंकि वाइट पेपर, क्योंकि आँखों का जो सबसे मेन पोर्शन है वो वाइट ही रहता है और कलरफुल पेपर पे वाइट कलर हो नहीं सकता। तो उसके लिए हम इसे इस तरह से फोल्ड करके और इसमें पेंसिल की हेल्प से हम आईज ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से आईज ड्रॉ करके सीजर की हेल्प से हम इसे
कट कर लेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स आइस कट करने के बाद ये हम आइस इस तरह से हम अपने शेप में इस तरह से लगा देंगे। ये मैंने ऑलरेडी ही कई शेप कई कलर में शेप कट करके रखे हैं, तो हम सभी में आइस चिपका देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इन तीनों में ही तीनों शेप्स में आइस लगा दी है। अब हम पेंसिल की हेल्प से आंखों में शेप बनाएंगे। इस तरह से अगर आप हैवी स्टिक ग्लू स्टिक से चिपका रहे हैं फ्रेंड्स, तो थोड़ा सूखने का टाइम दे दें पेपर को, उसके बाद ही आप कुछ भी ड्रॉ करें इसमें। इस तरह से पेंसिल से आइस ड्रॉ करने के बाद हम ब्लैक कलर का स्केच पेन लेके इस तरह से आइस में कलर कर देंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने आइस कंप्लीट कर ली। आप चाहें तो नीचे में, जैसे मैंने इसमें रेड कलर किया है, वैसे ही आप नीचे की आइस में भी कुछ और कलर डाल सकते हैं। तो इस तरह से करने के बाद हम इनके इन शेप्स के कान ईयर्स की कटिंग कर लेंगे। तो ये हम ये वाला शेप रेडी करते हैं, तो इसको हम मिकी माउस का शेप देने जा रहे हैं, क्योंकि ये रेड कलर का है तो हम इसके लिए ईयर्स कट करेंगे। हमें इसके लिए ब्लैक पेपर चाहिए होगा इस तरह का, तो ब्लैक पेपर को हम इस तरह से फोल्ड कर लिया मैंने और छोटा सा पीस निकाल ली। इस तरह से छोटा सा पीस निकाल के सर्किल निकाल लेंगे। इस तरह से ये दो ब्लैक कलर के सर्किल निकाल लिए मैंने और इन्हें इस तरह से फेविक्विक की हेल्प से हम इसे चिपका रहे हैं। इक्वल लेंथ में हम इस तरह से मार्क कर देंगे
ताकि ईयर्स जो है हमारे इक्वल लेंथ में ही चिपके। इस तरह से हल्की सी फेविकोल की स्ट्रिप लगा के इस तरह से हमने हमारे मिकी माउस के ईयर्स लगा देने। इस तरह से ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे मिकी माउस का शेप रेडी हो गया। अब हमें इसमें टंग लगानी है। टंग भी हम ब्लैक कलर की ही लेंगे। टंग लगाने के लिए मैंने ओवल शेप का कट किया है और इसे हम इस तरह से चिपका देंगे। इस तरह से। इसके बाद ये ब्लैक कलर का स्केच पेन लेके हम इसमें हल्की सी स्टेप की ड्रॉ कर देंगे और ये आइस बना देंगे। तो इस तरह से हमारे क्यूट से प्यारे से बुकमार्क्स रेडी हो जाएंगे। आप इस तरह से रैबिट भी बना सकते हैं या इस तरह से पिकाचू का शेप दिया है मैंने, इस तरह से ये फ्रॉग बना सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड के आप इस तरह से बुकमार्क्स बना सकते हैं जो बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। अगर आपको ये सब पसंद आ रहे हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी क्रिएशन कैसी लगी। थैंक यू फ्रेंड्स।